Hello students, in the previous class we have learned about my family. In that class we have learned about small family, big family and joint family. Okay, so students, what is a small family? The family which have parents with one or two children. Okay, then what is big family? The family which have parents with more than two children. Okay, and in joint family, grandparents, uncles, okay, cousins all live together. Okay, so student, today we will learn about ideal family. Okay, what is a ideal family? ठीक है, so an ideal family is one in which all the family members help each other. किसे हम ideal family बोलेंगे? जहाँ पे सारे members एक दूसरे का मदद करेंगे. Okay, look what the members of Aditi's family are doing. ये नीचे जो हैं ये आदित्य का फैमिली है. ठीक है, सो क्या क्या कर रहे हैं चलो देखते हैं. आदित्य इज ब्रदर हेल्पिंग हर मदर इन किचन. ये हो गया आदित्य का भाई जो अपने मम्मा को किचन में हेल्प कर रहा है. फादर वॉशिंग क्लॉथेस, पापा यहाँ पे क्लॉथ वॉश कर रहे हैं. आदित्य फादर एंड ब्रदर क्लीनिंग कार, यहाँ पे देखो सब मिल के कार वॉश कर रहे हैं. ठीक है, आदित्य इज हेल्पिंग मॉम इन सर्विंग फूड. आदित्य यहाँ पे क्या कर रही है? अपने मम्मा की मदद कर रही है फूड सर्विंग के लिए. देन लुक एट हियर, आदित्य इज डस्टिंग फर्नीचर्स. आदित्य फर्नीचर में से डस्ट निकाल रही है. सो स्टूडेंट्स, इन आदित्य फैमिली एवरीवन हेल्पिंग ईच अदर. यहाँ पे आदित्य का भाई हेल्प कर रहा है, यहाँ पे उसके पापा, यहाँ पे सब मिल के कार वॉश कर रहे हैं, यहाँ पे आदित्य अपनी मामा की हेल्प कर रही है, यहाँ पे डस्टिंग कर रही है. सो ये एक क्या है? आइडियल फैमिली. ठीक है, अच्छा फैमिली. ठीक है, सो आइडियल फैमिली किसे कहेंगे? जिस फैमिली में सारे मेम्बर्स एक दूसरे के हेल्प करेंगे. ठीक है, सो हमारे फैमिली को हमें आइडियल बनाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, सो तुम सब भी अपने पापा मम्मा सबके मदद करना. ठीक है, देन लुक एट हियर, एक एक्टिविटी दिया गया है. डू यू हेल्प एट होम? थिंक एंड राइट फाइव थिंग्स यू डू एट होम टू हेल्प योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तुम घर में हेल्प करते हो अपने मम्मा को या फिर पापा को या फिर ब्रदर और सिस्टर जो भी हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, उन्हीं में से यहाँ पे फाइव सेंटेंस लिखना है क्या क्या मदद करते हो. जैसे आई हेल्प माई मदर इन किचन, यहाँ पे जैसे लिखा है इस तरह से. आई हेल्प माई फादर इन क्लीनिंग, इस तरह से तुम जैसे भी मदद करते हो फाइव सेंटेंस में लिखना. ठीक है, देन तुम्हारा दिया गया है एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, से ट्रू और फॉल्स. सो यहाँ पे हमें बताना होगा ट्रू है या फॉल्स. देयर आर मैनी मेंबर्स इन ए स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है कि नहीं? क्योंकि स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स के साथ एक या दो बच्चे रहते हैं. ठीक है, इन ए जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद द फैमिली. जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है. सो दिस वन इज ट्रू. इन ए बिग फैमिली देयर आर फोर मेंबर्स, बिग फैमिली में फोर मेंबर्स होते हैं. ट्रू है या फॉल्स? बिग फैमिली में मोर देन फोर मेंबर्स. ठीक है, तो ये फॉल्स है. कौन सा वाला? इन ए बिग फैमिली मोर देन, स्मॉल फैमिली में फोर मेंबर्स होते हैं.
वी हैव फोन विद आवर फैमिलीज, हमारे हम अपने फैमिली के साथ फोन करते हैं। वी शुड नॉट हेल्प एट होम, हमें घर में मदद नहीं करना चाहिए। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है, हमें घर में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ओके देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, टेक द पिक्चर्स व्हिच शो चिल्ड्रेन हेल्पिंग एट होम। इनमें से तुम्हें वही पिक्चर पे टिक करना है जहाँ पे चिल्ड्रेन हेल्प कर रहे हैं किसी का भी, ठीक है। लुक एट हियर, यहाँ पे एक लड़का कार वॉश कर रहा है, यहाँ पे अपने पापा को पानी दे रही है, मतलब अपने मामा की हेल्प कर रही है। ओके देन ही इज प्लेइंग ऑन द बेड एंड सी इज वॉशिंग टीवी, दे आर नॉट हेल्पिंग। सो ये हो गया तुम्हारा बी। ओके देन सी में क्या दिया है, व्हाट डू यू कॉल, तुम क्या बोलते हो किसको? योर फादर्स फादर, पापा के पापा को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। योर मदर्स मदर, ग्रैंड मदर। योर फादर्स ब्रदर, अंकल। योर मदर्स ब्रदर, अंकल। योर मदर्स सिस्टर, आंट। योर मदर्स ब्रदर्स सन, दैट विल बी योर कजिन ब्रदर। ओके योर फादर्स सिस्टर्स डॉटर, दैट विल बी योर कजिन सिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज माई फैमिली। ओके सो इसको कंप्लीट करना, बुक में भी लिखना और EBS कॉपी में भी लिखना, ठीक है।